आपसी रंजिश किसका दर परिवार की खुशियों को पल भर में उजाड़ कर रख देती है। इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखा गया जब एक महापूर्व हुई शादी के बाद देवेंद्र उर्फ देवा पलवल के गांव जोधपुर से सेक्टर 2 हुड्डा मार्केट में किसी काम से आया हुआ था। उसी वक्त करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उसे घेर लिया और जानलेवा हमला करते हुए उसे गोली मार दी। गोली से घायल देवेंद्र को इलाज के लिए फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात को ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने देवेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए पलवल के सिविल अस्पताल में रखवा दिया है और परिजनों के बयानों पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा हत्याओं के खिलाफ आधा दर्जन संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए हत्यारों की जाँच शुरू कर दी है। हालांकि परिजन इस हादसे से अभी तक उभर नहीं पाए हैं और कैमरे के सामने कुछ भी कह नहीं रहे हैं। परिजनों ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि पलवल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उसी के चलते आज उनके घर का चिराग उनके बीच नहीं रहा है। जिसको गोली लगी इसका नाम देवेंद्र उर्फ देवा है, जोधपुर पलवल का रहने वाला है, उम्र लगभग 25 साल है और ये इसकी आपसी रंजिश के कारण सेक्टर 2 के अंदर ही गोली मार दी जिससे उसकी हत्या हो गई। जिसमें कंप्लेंट प्राप्त होने पर FIR लॉज कर ली गई है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बात करें रंजिश की, किससे रंजिश? इसके जानकारी है, आपस की रंजिश है। अभी रंजिश कोई क्लियर नहीं हो पाई अभी तक कोई क्या रंजिश है। शादी को करीब एक महीना हुआ है इसकी। ये कल शाम को गोली चली है, सेक्टर 2 पलवल हुड्डा मार्केट के पास ही है। ये अपने काम से आ रहा था, जो भी आरोपी है उन्होंने इसको घेरा है गाड़ी में, आगे लगा करके इसको रोका है। रोकने के बाद कुल कितने लोग बताए जा रहे हैं? 6-7 हैं। 6-7 लोगों ने घेर कर, 6-7 लोगों ने घेर करके गोली मारी। कितनी गोलियां मारी हमने? एक गोली लगी। बात करें युवक की, युवक प्रोफेशन से क्या करता है? ये अपना कार्य करता है। तो आगे पुलिस क्या बस आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। परिजनों ने 6-7 आदमियों को कहा, इन्होंने घेर करके इसको गोली मार करके हत्या की है। नहीं, इनकी आपस में अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आया। FIR लॉज की है 148, 149, 349, 302, 506 IPC एंड RMZ 2564। इलाके की तो कोई ऐसा CCTV फुटेज या कोई ऐसा कुछ नहीं? ऐसी जगह नहीं है कि जिससे कि CCTV नजदीक कोई नहीं था जहाँ पर घटना घटी है।